यहां कलदा क्षेत्र की एक माताजी क्या कह रही थी। एक माताजी कह रही थी महाराज जी एक भाई से, बोले भैया मेरी जब शादी इस जंगल में हुई तो मैं अपने माँ बाप को कोसती थी। कहां से? वो बुंदेलखंडी भाषा में बोल रही थी कि हमारे मताई बाप कितने पगला रहे, यहां विवाह करवा दिए जहां कोई नहीं आता। बोले बाकी मेरी और बहनें हैं, उन बहनों को अच्छी जगह विवाह किए, मुझे जंगल में लाकर पटक दिया। वनवासी भाई की एक देवी जी कह रही थी। बोले महाराज मैं कोसती रही कि मुझे कहां लाकर पटक दिया, मैं अपने आप को दुर्भाग्य मानती रही, पर महाराज आज मैं अपने आप का सौभाग्य मान रही, जो रिश्तेदार कल आते नहीं थे वो आज 10 दिन पहले से डेरा डाले हैं बन में। महाराज 10 दिन से गए नहीं हैं, वो जो बहनें बड़े बड़ी जगहों पर जिनका विवाह हुआ था वो 10 दिन से यहां पर डेरा डाले हैं, और बार बार वो धन्यवाद कह रही हैं कि बढ़िया रहा तू यहां है तो कथा सुनने को महाराज जी की मिल गई है। और वो आंखों में आंसू भरकर कह रही थी महाराज आज मैं अपने आप को धन्य मान रही हूं कि मैं वन में मेरी शादी ठीक हुई है। भैया ये भाव तुम्हें शहरों में नहीं मिलेगा, ये प्रेम तुम्हें शहरों में, ये लोग पिछड़े जरूर हैं पर इन लोगों में भाव बहुत है। मैं व्यासपीठ से भाव साझा कर रहे हैं। हम एक भाई कल हम बैठे थे तो हमारे जो मार्ट साहब है ना दरियाव सिंह, उनको हमने बुलाया, हमने कहा आओ फलाहार कर लें कुछ खा लें। तो बोर हम बैठे थे तो एक कोई गांव के वृद्ध वनवासी दादाजी आए, हमने उनको सेब खा रहे थे, हमने भी खाया, हमने उनको दिया। पता है वो क्या कह रहे थे? वो हाथ में सेब लेकर बोले गुरुजी एक बात बताओ, ये तो बहुत महंगा आता होगा। उसको वो बहुत महंगा बता रहे थे। मेरे भारत के पागलों, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों, अब हम व्यासपीठ से आपको निवेदन करेंगे कुछ दिन गुजारो वन में, कुछ दिन गुजारो इन वनवासियों को। इन्होंने वनवासियों को ये बड़ा महोत्सव लग, क्या अद्भुत लीला। अब हम तो कहेंगे हमारी, सच बताएं ये हमारी महिमा नहीं, ये हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा की महिमा है कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि तुम वन में जाकर कथा करो। सच बताएं अपनी जिंदगी का हमने आज पहली बार ये कथा निर्विघ्न संपन्न होने जा रही, अपनी जिंदगी का हमने पहली बार कोई बढ़िया काम किया है, पहली बार। यहां पर किसने सोचा था इतने लोग आएंगे? सोचा था क्या किसी ने? किसने सोचा था कि इतने, बताओ कल ग्राउंड कम पड़ गया, 2 दिन की जो हमें कथा बढ़ानी थी आज इसलिए हमने विराम कर दी कथा, क्योंकि कल हमें यहां शासन प्रशासन बताए कि महाराज जी जगह नहीं है, अगर 2 दिन बढ़ा देंगे तो कोई लफड़ा ना हो जाए, तो हमने आज मना कर दिया कि अब केवल कल, और कल हम सिर्फ दरबार लगाएंगे, प्रेतराज सरकार का दरबार, जो जादू टोना ओझा तांत्रिकों के चक्कर में यहां के वनवासी हैरान हैं, अब नहीं रहेंगे। और तुम चिंता मत करो, सबरी माता का मंदिर बनने दो, हम साल 2 साल में एक बार आते रहेंगे। अपने राम जी तो फक्कड़ हैं, अब तो हमने और कर लिया प्रण, बागेश्वर धाम के लोगों से भी कहा कि अब तुमको बहुत दक्षिणा देने की जरूरत है क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल। हाँ देखिए सच बताएं क्या मानवता है,